हेलो स्टूडेंट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वाइबा क्वेश्चन से जो कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स से रिलेटेड है और इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसमें आपको काफी इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी अपने वाइबा के दौरान और आपसे उम्मीद है कि आप एक बार इसे पूरा देखें और उसके बाद आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई एम जस्ट स्टार्टिंग विथ फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इज वाट इज इंजीनियरिंग ड्रॉइंग एंड वाइट इज कॉल्ड यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर सो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा कि इंजीनियरिंग ड्रॉइंग को डिफाइन करना है और इसे यूनिवर्सल लैंग्वेज इंजीनियर का क्यों बोला जाता है ये आपको बताना है सो लेट्स द आंसर इंजीनियरिंग ड्रॉइंग इज ए इंजीनियरिंग ड्रॉइंग एक सेकेंड मैं पेन ले लेता हूँ हाँ इंजीनियरिंग ड्रॉइंग

इफेक्टिवली uh, कम्युनिकेट कर सकता है विद सम रूल्स एंड कोड्स ओके नेक्स्ट है कि आपसे पूछा गया था कि यूनिवर्सल लैंग्वेज क्यों है क्योंकि इसकी एक अपनी लैंग्वेज है आई थिंक जस्ट वी सुड रीड द आंसर इट इज स्पोकन रीड रिटेन इट्स ओन वे इंजीनियरिंग ड्राइंग हैज इट्स ओन ग्रामर इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्शन कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन टाइप्स ऑफ लाइन सिम्बल्स एंड वेरियस ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन इसका मतलब ये हुआ कि इसका अपना एक सिस्टम है जिसमें लाइन जो डिफरेंट टाइप्स के लाइन है वो अलग बिल्कुल डिफाइंड हैं सिंबल्स डिफाइंड

ड्राइंग के फॉर्म में इसलिए यूनिवर्सली इसको हम एक लैंग्वेज के तौर पर एक्नॉलेज करते हैं और ये कहीं पे भी आप जाओगे आपको सब जगह एक जैसा मिलेगा इस वजह से इसको हम यूनिवर्सल लैंग्वेज बोलते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये है कि आप जो है ये बताइए कि वॉट इज़ प्रोजेक्शन प्रोजेक्टर एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ठीक है तो ये बेसिक है पहले तो समझिए कि जब भी हम ड्राइंग करेंगे तो उसमें एक ऑब्जर्वर होगा जो देखने वाला होगा जैसा कि आप हो सकते हो दूसरा है कि उसमें ऑब्जेक्ट होगा जिसको आप देखने देखने वाले हो और तीसरा होगा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन जहाँ पे उसकी सैडो बननी चाहिए जहाँ पे उसका प्रोजेक्शन बनना चाहिए तो ये प्लेन होता है ये इमेजिनरी प्लेन होता है आप इसे मान सकते हो इसको जैसे अगर आप इसे देखो एक्सिस के फॉर्म में तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, है ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है पेन नहीं चल रहा उतना से ये थर्ड क्वाड्रेंट है सी दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है ठीक है हम अभी यहाँ पे आप क्या देख रहे हो एक ऑब्जर्वर को देख रहे हो एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हो एक प्लेन को देख रहे हो इसी प्लेन पे इसका प्रोजेक्शन बनेगा इसका प्रोजेक्शन कैसा बनेगा कुछ सर्किल यहाँ पे बनेगा यानी इसका जो छाया पड़ेगी साइडो पड़ेगा वो एक सर्कल सा पड़ेगा तो आपको यहाँ पे तीनों समझ में आ रहे होंगे कि वॉट इज प्रोजेक्शन प्रोजेक्टर एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन इज ए इमेज और व्यू और ए व्यू प्रोजेक्टर्स आर दी लाइन ड्रॉन फ्रॉम द ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इसी ऑब्जेक्ट से जो लाइन्स ड्रॉ करते हो उन्हीं को हम प्रोजेक्टर्स बोलते हैं अब इसलिए कर हर कॉर्नर से अगर कोई चीज ड्रॉ करेगी तो रे की तरह जाके इस पर्दे पे पड़ेगी उसी को हम क्या बोलते हैं प्रोजेक्टर्स uh, बोलते हैं दीज लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन एंड पैरल टू ईच अदर दे आर पैरल टू ईच अदर और परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ये जो प्लेन है इसी को पीओपी बोलते हैं प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं और इसी पे इसका परपेंडिकुलर होगा ठीक है प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज ए प्लेन ऑन विच इमेज इज मैंने अभी बताया जहां पे इमेज बनती है तो आपको समझ में आया होगा तीन चीजें हैं यहाँ पे बेसिकली एक आपका ऑब्जर्वर है एक ऑब्जेक्ट है और प्लेन है प्लेन जिसपे पिक्चर बनने वाली है प्रोजेक्शन बनने वाला है ऑब्जेक्ट क्या है जिसका पिक्चर बनने वाला है और प्रोजेक्टर क्या हुआ है जो लाइन्स आपको अगर मान लो यहाँ से आप टॉर्च यहाँ से अगर आप टॉर्च जला दो तो आपको क्या मिलेगा टॉर्च की वजह से एक सैडो बनेगी वो तो सैडो क्यों बन रही है क्योंकि वहां पर रेज नहीं पहुंचेंगी ठीक है तो जो लाइंस हम एक तरीके से देख सकते हैं एक इमेजिन कर सकते हैं कि लाइंस मीट करती हुई मिलेगी इन्हीं लाइंस को क्या बोलते हो आप प्रोजेक्टर बोलते हो ठीक है थीके? तो ज्यादा इस इससे ज्यादा इसमें कुछ खास बताने लायक है नहीं नेम अ प्रिंसिपल प्लेन ऑफ द प्रोजेक्शन जो प्रोजेक्शन सिस्टम है उसमें अगर आपसे प्रिंसिपल प्लेन पूछा जाए तो कौन कौन से प्रिंसिपल प्लेन हमेशा पहली चीज समझिए कि एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं तो यहाँ परपेंडिकुलर प्लेन्स आपको दिख रही है कौन कौन सी

क्वेश्चन पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार पूछा जाता है नेम दी प्रिंसिपल प्लेन्स ऑफ प्रोजेक्शन नेम दी प्रिंसिपल प्लेन्स ऑफ दी प्रोजेक्शन एक्चुअली ये पिछला क्वेश्चन uh, है वो यहाँ पे गलती से प्रिंट हो गया है तो इग्नोर इट uh, इसमें हम इसके जो मैटर है वो भी वहीं जाना था इसलिए इसको आप लीव कर सकते हो ये पूरा मैटर जो है ये पिछले पेज का है तो लीव इट ओके नेक्स्ट पे आ जाइए यहाँ पे है व्हाट आर दी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन ऑफ ड्राइंग सीट एंड पेंसिल्स ओके पेंसिल्स के और ड्राइंग सीट के जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस हैं वो क्या हैं उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं ठीक है तो ड्राइंग सीट्स आर सीट स्पेसिफिकेशंस आर ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ये नाम होते हैं सीट का जब आप ड्राइंग सीट को देखोगे और इन्हीं नावन क्लेचर के आधार पर इनकी डायमेंशन होती हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं इनके साइज कैसे होती हैं तो ए नॉट साइज पहले देखो ए नॉट साइज सबसे बड़ा साइज होता है ये पूरा जो साइज आप देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा कौन सा साइज है ए नॉट साइज है ये रेक्टेंगुलर सीट आपको देख रही होगी यहाँ से लेके यहाँ तक इस रेक्टेंगुलर सीट को हम क्या बोलते हैं ए नॉट बोलते हैं जब आप ए नॉट को हाफ कर देते हो तब आपको मिलता है ए वन ये वाली मिलेगी ए वन की बाउंड्री कौन सी है यहाँ से लेके यहाँ तक है दिस इज योर ए वन इसका डायमेंशन आपको दिया हुआ है मैं रफली कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेट पेन से तो ये बाउंड्री आपकी क्या हो जाएगी ए वन हो गई इसके बाद आपके पास क्या बच रहा है इसके बाद होता है जब ए वन को आप मिड uh, पॉइंट से फोल्ड कर दो या हाफ कर दो तो आपको मिलता है ए टू ये वाला फिगर मिलेगा और ये वाला एरिया जो है ये ए टू को रिप्रेजेंट करता है ठीक है जनरली हम लोग ए टू में ड्रॉइंग अपनी बना रहे हैं अपने लैब्स में ठीक है फोर uh, ट्वेंटी इसका जो है हाइट हो गई और इसकी जो लेंथ हो गई वो आप देख लो टू नाइन्टी सेवन प्लस टू नाइन्टी सेवन आपको दोनों को जोड़ के आप याद कर सकते हो ठीक है जब ए टू को आप हाफ कर देते हो तो आपको ए थ्री मिलता है यानी इसके बाद ए टू ए थ्री जो है वो ए टू से छोटा होगा ए थ्री को जब आप हाफ़ करते हो तो ए फोर के दो पेज मिलेंगे ए फोर जो होता है हमारा जो प्रिंटर की सीट होती है वो ए फोर साइज़ की हो सकती है तो यहाँ पे आपको क्या अंदाज़ा मिला कि ए नॉट सबसे बड़ा है फिर ए वन है फिर आपका उससे बड़ा सॉरी ए नॉट सबसे बड़ा है उसके बाद ए वन है फिर ए टू है फिर ए थ्री है फिर ए फोर है यानी सबसे छोटा कौन सा है वो ए फोर है तो ये साइज के बेसिस पे यहां पे उनका ऑर्डर दिया गया है आप समझ सकते हो नेक्स्ट है पेंसिल्स के बारे में पेंसिल्स हमारी जो है हार्ड होती हैं और सॉफ्ट पेंसिल्स होती हैं हार्ड पेंसिल्स को हम एच नॉमल क्लेचर से डिनोट करते हैं बढ़ते हुए क्रम में जैसे जैसे हार्डनेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इनके जो सफिक्स है वो बढ़ता जाएगा टू एच थ्री एच फोर एच ऐसे बढ़ता जाएगा और जो सॉफ्ट पेंसिल्स होती हैं उनको हम बी से डिनोट करते हैं और इनका सफिक्स के अकॉर्डिंग इनकी सॉफ्टनेस बढ़ती जाती है तो आप एक कॉमन हमारे पास एक अंदाज़ा है कि अगर सफ़िक्स बढ़ रही है तो इस सॉफ्टनेस बढ़ी इसका मतलब क्या होगा कि ये आ, बिल्कुल डार्क मार्किंग करेगी आपकी सीट पे और जब हार्डनेस बढ़ेगी तो ये हमेशा लाइट मार्किंग करेगी आपकी सीट पे तो इससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें कौन से पेंसिल कहाँ पे यूज़ करनी है इस फिगर में देखिए आप इस फीगर में इस फीगर में डार्कनेस आपको देखेगा जैसे जैसे पेंसिल में जो बी टाइप की पेंसिल्स यानी सॉफ्ट पेंसिल के सफेक्ट्स के जो नंबर्स अगर वो बढ़ रहे हैं तो डार्कनेस बढ़ रही है ठीक है और जैसे जैसे आप देखो कि एच के सफेक्ट्स बढ़ रहे हैं वैसे उससे लाइट मार्किंग आपको दिखती जाएगी ठीक है तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपसे बार बार पूछा जाता है दो चीज़ें बहुत कॉमन है इसलिए आप इसे याद रखेंगे हम अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे सो नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और उनके सिंबल्स क्या हैं तो पहले समझिए कि फर्स्ट एंगल थक दो तरीके के प्रोजेक्शन होते हैं एक फर्स्ट एंगल का प्रोजेक्शन होता है एक थर्ड एंगल का प्रोजेक्शन होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को हम जनरली अपने इंडिया में फॉलो करते हैं इसमें क्या होता है इसमें ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखेंगे ये पूरा सिस्टम आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखेगा और जो थर्ड एंगल होता है उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपका रखा जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में ठीक है पहली पहला डिफरेंस तो आप समझ लो कि ये फर्स्ट एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट से संबंधित है और जो थर्ड एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट से संबंधित है ठीक है तो आपको एक जनरल आइडिया हो गया कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल कहाँ पे बनते हैं तो आपको सबसे पहले मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूँ इस फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल को आप जो है ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट और प्लेन के माध्यम से एक्सप्लेन कर सकते हैं डिफ्रेंसिएट करते हैं फर्स्ट एंगल में आप क्या देखोगे कि जो मेरा ऑब्जेक्ट होता है यानी जिसका फिगर बनना है वो आपका कहाँ पे लाई करेगा वो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन और ऑब्जर्वर के बीच में लाई करेगा है जब आप थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की बात करोगे तो इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जर्वर और प्लेन के पीछे होगा यानी यहाँ पे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो आपका ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में लाई करेगा तो आपको यहाँ पे दो चीजें मिल रही आपको एक, इन तीनों के एक तो पहला है वो आप देख सकते हो कह, कहां पे बनेंगे? आ, देखो अगर फर्स्ट एंगल में है तो फर्स्ट एंगल में जो फ्रंट व्यू बनेगा वो यहाँ पे बनेगा मैं लिख रहा हूँ फ्रंट व्यू ये फ्रंट व्यू भी लिख रहा हूँ तो शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ तो आप समझ जाना ये फ्रंट व्यू है तो फ्रंट व्यू कहां पे बन रहा है आपके वर्टिकल प्लेन पे बन रहा है और इसका क्या क्या बनेगा एक सर्किल ऐसा बनेगा इसी को हम फ्रंट व्यू बोलेंगे और इसका टॉप व्यू कहां बनेगा जब यहाँ से आप देखोगे इस चीज को ऑब्जेक्ट को तो टॉप व्यू कुछ इस तरीके से बनेगा यहाँ पे तो टॉप व्यू किस पे बन रहा है एचपी पे बन रहा है किस पे बन रहा है आपका ऑरिजेंटल प्लेन पर बन रहा है तो एक चीज आपको यहाँ पे पता चल रही है यानी फर्स्ट एंगल में और जब आप इससे सीट पे अपने देखोगे तो आपका फ्रंट व्यू जो रेफरेंस लाइन है ये रेफरेंस लाइन होती है एक्स और वाई ठीक है एक्स वाई एक्स वाई के अब जो बनेगा वो फ्रंट व्यू बनेगा आपका फ्रंट व्यू फ्रंट व्यू बनेगा और जो आपका टॉप uh, व्यू बनेगा यानी इसको हम TP से डिनोट uh, कर रहा टॉप व्यू जो होगा वो किस पे बनेगा बिलो दई लाइन बनेगा यानी ये ऐसे मूव कर जाता है ना नाइनटी डिग्री आपका मूव कर जाएगा और आपकी सीट जो है नीचे बनेगी नीचे यानी जब अपनी सीट पे दिखाओगे तो आपको समझ में आया होगा कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कहां पे बनेगा इन केस फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ठीक है आप आ जाइए थर्ड एंगल में कहां पे बनेगा थर्ड एंगल में ऑब्जर्वर यहां पे है तो जब इसका फ्रंट व्यू देखोगा तो फ्रंट व्यू यहां पे कहीं बनेगा यानी कहां बन रहा है एक्स वाई प्लेन के नीचे एक्स वाई लाइन के ये एक्स और वाई लाइन है यानी रेफरेंस लाइन है रेफरेंस लाइन के नीचे बन रहा है और इसका टॉप व्यू कहां बनेगा यहां से जब आप देखोगे तो टॉप व्यू यहां पे बनेगा और टॉप व्यू कहां चला जाएगा जब इसे रोटेट करोगे हॉरिजॉन्टल प्लेन हमेशा रोटेट करती है और कितना रोटेट करती है नाइन्टी डिग्री नाइनटी डिग्री आप रोटेट करेगी तो एबव हो जाएगा यानी एक्स वाई प्लेन के एबव इसका क्या बन जाएगा टॉप व्यू बनेगा और एक्स वाई लाइन के नीचे क्या बनेगा फ्रंट व्यू बनेगा तो ये दो चीजें आपको बिल्कुल याद रखनी है थर्ड एंगल में और फर्स्ट एंगल में दोनों व्यू टॉप व्यू फ्रंट व्यू एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ठीक है तो ये चीज आप इस तरीके से इसे डिफाइन कर सकते हो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ठीक है और मोस्ट कॉमन मेथड मैं एक बार इसमें जो पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड इन ऑप्टे यूज टू ऑप्टे इंजीनियरिंग ड्राइंग मोस्टली फॉर आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट एंगल इन दिस प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने आपको पहले बताया हियर इन द फर्स्ट एंगल

टॉप व्यू का सिंबल है ये और ये आपका कौन सा है फ्रंट व्यू का सिंबल है किसके केस में फर्स्ट एंगल के केस में तो फर्स्ट एंगल का जब भी रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो ये सिंबल बनाने होंगे ये दोनों सिंबल आपको बनाने होंगे इससे एग्जामिनर या जो भी जो आपका ऑब्जर्वर है या जो एवेल्युएटर है वो समझ में आएगा कि आपने फर्स्ट एंगल में चीजें ड्रॉ करी हैं सिमिलरली थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सिंबल ये होता है यहाँ पे टॉ जो आपका ये सर्कल वाला फिगर है ये इधर आ जाएगा और ये चला जाएगा इधर तो यानी आपका क्या हो रहा है यानी फ्रंट व्यू यहाँ पे बन रहा है और टॉप व्यू यहाँ पे बन रहा है इसका अगर इस फिगर को माध्यम से कंपेयर करते हो तो तो आपको दोनों फिगर बस याद रखना है एक दूसरे के वाइस वर्षा होते हैं और इसके थ्रू आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो थर्ड uh, एंगल को भी देख लेते हैं इन दी दिस मेथड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड दी प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन जैसा कि मैंने बताया था कि देखो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ये है पीओपी प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इसके पीछे ऑब्जेक्ट रखा गया है ठीक है तो पहला पॉइंट आपको यह याद रखना है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन थर्ड क्वाड्रेंट मैंने पहले बता रखा है आपसे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज इन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर ये पीओपी किसके बीच में है ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में है अनलाइक द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज ट्रांसपेरेंट इन दिस केस अच्छा यहां पे जो पीओपी होगा यानी प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा तभी तो आप देख पाओगे इसलिए ये भी एक डिफरेंट पॉइंट है कई बार पूछा जाता है तो आपने दिमाग में रखिएगा इसे नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार पूछा जाता है व्हाई आर दी प्रोजेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट ड्रॉन इन सेकंड एंड फोर्थ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ओके तो इसका आंसर है द फ्रंट व्यू एंड द टॉप व्यू विल ओवरलैप ईच अदर एंड दस नो क्लैरिटी एंड देयर विल बी ओनली कंफ्यूजन इसका आंसर होगा क्यों होगा देखो जब भी हम ड्राइंग करते हैं पहले ऑब्जेक्ट को इमेज तो हम इस तरीके से करते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम में इमेजिन करते हैं लेकिन जब हम अपनी ड्रॉइंग सीट में दिखाते हैं तो हम जो हॉर्जेंटल प्लेन होता है इसको रोटेट करवाते हैं कितना है जैसे ये हॉर्जेंटल प्लेन है ये वर्टिकल प्लेन तो स्थिर रहेगा ये स्टैटिक रहेगा इसको नहीं मूव करना है लेकिन हॉर्जेंटल प्लेन मूव करेगा कितना मूव करेगा नाइन्टी डिग्री मूव करेगा तो आप खुद सोचो अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट

ये कुछ नहीं है जो आप जो फ्रंट व्यू होता है उसी को हम एलिवेशन कहते हैं इट इज ऑलवेज फॉर्मड ऑन दी वर्टिकल प्लेन व्हेन व्यूड फ्रॉम द फ्रंट अगर आप सामने से देख रहे हो तो ये वर्टिकल प्लेन पे एलिवेशन बनता है और इसी को फ्रंट व्यू बोलते हैं प्लान और टॉप व्यू प्लान जो होता है उसी को हम टॉप व्यू बोलते हैं इट इज ऑलवेज फॉर्मड ऑन हॉरिजेंटल प्लेन व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप अगर टॉप से देखोगे तो हमेशा कहाँ पे बनेगा ये हॉर्जेंटल प्लेन पे बनेगा तो ये चीज अपने दिमाग में रखना है इंड व्यू क्या होता है ये साइड व्यू होते हैं इट इज मेड ऑन लेफ्ट और राइट ऑफ द एलिवेशन डिपेंडिंग ऑन द वेदर इट्स व्यू इज फ्रॉम द लेफ्ट और ऑन द राइट ऑन द ऑब्जेक्ट तो ये आप यहाँ पे फिगर में देख लो फिगर में क्लैरिटी ज्यादा होगी देखो ये जो आपका बनेगा यहाँ पे फिगर वो आपका क्या हो जाएगा वो आपका होगा एलिवेशन यहाँ पे एलिवेशन बनेगा ये वाला फिगर एलिवेशन होगा यहाँ हॉर्जेंटल पे जो फिगर बनेगा इसका वो आपका क्या हो जाएगा प्लान होगा टॉप व्यू बनेगा वही प्लान हो जाएगा और जो पीछे वाली बैक साइड में साइड में जो बनेगा वो आपका कौन सा व्यू हो जाएगा इसको हम एंड व्यू बोलेंगे एंड व्यू बोलेंगे एंड व्यू यानी साइड व्यू बनेगा और दोनों साइड में बन सकता है तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है क्लियर नेक्स्ट उस पर मूव करते हैं हम लोग व्हाट इज आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और इसे कैसे डिफाइन करते हो तो आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन देखो ये जो फिगर बना हुआ है ये तीनों आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन टू डी फिगर है ठीक है ये कौन सा है ये आइसोमेट्रिक है आइसोमेट्रिक से यानी थ्री डी फिगर से आप टू डी में जा रहे हो पहली चीज तो ये समझ लो अपने दिमाग में क्लियर कर लो ठीक है अब आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को डिफाइन करते हैं आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज ए मीन ऑफ रिप्रेजेंटिंग थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इन टू डायमेंशन एज आई सेट इट इज ए फॉर्म ऑफ पैरल इन विच ऑल प्रोजेक्शन आर आर्थोगोनल टू लाइनल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन या प्रोजेक्शन प्लेन यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे जो भी जो हमारे प्रोजेक्शन लाइन्स होंगे वो जो है प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के परपेंडिकुलर होंगे और इसमें हम क्या करते हैं किसी थ्री डी ऑब्जेक्ट को टू डी में रिप्रेजेंट करते हैं बस इससे ज्यादा आप कुछ नहीं बता सकते बताओगे इसमें वाई द आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज कॉमनली यूज इन used to express the engineering details? क्यों जब बार बार इसे आप यूज करते हो बहुत कॉमनली यूज करते हो तो इसका रीजन ये है कि इट गिवस हंड्रेड परसेंट डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाई ड्राइंग मेनी व्यूज टॉप व्यू फ्रंट व्यू साइड व्यू लेफ्ट साइड व्यू राइट साइड व्यू एज मच एज रिक्वायर्ड दैट इज वाई इट इज प्रिफर्ड ओके सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन what is isometric view very important I, I'm frequently asked question isometric drawing allows the designer to draw an object in three dimension it means if there is a 2d see this is 2d these diagrams are 2d diagram and from these diagram you can make 3d diagram this one is a 3D diagram because you can see three dimensions in this figure. That is why it is known as 3D diagram. So this is your orthographic, and this view is your isometric. Isometric means you 3D dimension, 13 dimensions. Three, three dimensions it is also called isometric projection. It is used in technical drawing to show. आइटम और ऑब्जेक्ट इन थ्री डी ऑन टू डी पेज आप अपने प्लेन पे दिखाते हो ना आपका, आपका जो सीट होती है तो मैं कहता था कि से उसकी साइड पहले थर्टी डिग्री पे आप ड्रॉ कर लो ठीक है ऐसे ही दूसरी साइड्स को भी थर्टी डिग्री जो भी इस पर हो थर्टी डिग्री पे ड्रॉ कर लो तो इस तरीके से जो भी ड्राइंग स्टार्ट करते थे वो हमारा कौन सा था आइसोमेट्रिक ड्राइंग था और ऐसे ही हम इसे बनाते हैं यानी जो आपके जो एक्सिस हैं उन सब से इनके एंगल्स क्या होंगे वो सेम होंगे ठीक है नेक्स्ट उस पर मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन पे वट आर दी टाइप्स ऑफ लाइन ये भी बहुत बार पूछा जाएगा इंडिविजुअल लाइन आपसे पूछी जाएंगी जैसे ये कंटिन्यूस थिक लाइन है आपको एक मोटिस लाइन ये वाली दिख रही है ये कंटिन्यूस थिक लाइन है इसका यूज क्या है विजिबल आउटलाइंस बनाने के लिए विजिबल एज बनाने के लिए हम इसका, इसका इस्तेमाल करते हैं जैसे किसी ऑब्जेक्ट को बनाया आपने, उसकी आउटलाइन यानी आउटर पेफरी को बनाया उसके लिए हम इसका, इसका इस्तेमाल करेंगे फिर आपको एक हल्की सी लाइन दिख रही है इसको क्या बोलेंगे कंटिन्यूअस थिन लाइन यानी थोड़ी उससे पतली है इसका इस्तेमाल होता है डायमेंशन लाइन यानी डायमेंशन दिखाने के लिए प्रोजेक्शन लाइंस को जो प्रोजेक्शन लाइन आप खींच रहे हो उसको दिखाने के लिए लीडर लाइन जिस पे आप डायमेंशन लिखते हो किसी सर्किल का डायमीटर का तो वो लाइन इमेजिनरी लाइंस और इंटरसेक्शंस दिखाना है तो हम इस्तेमाल करेंगे आउट लाइन ऑफ द रिवॉल्व सेक्शन कोई जैसे जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको रिवॉल्व करके बनाया गया हो तो उसको दिखाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे ये वाली लाइन देखिए आप जो आपको फ्री हैंड ड्रॉ की गई है तो इसको हम बोलेंगे कंटिन्यूस थिन फ्री हैंड इसका इस्तेमाल होता है बाउंड्रीज ऑफ द लिमिट्स ऑफ पार्सियल और इंटरप्रेटेड व्यूज जो होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं ये वाली लाइन देखिए ये बड़ी अनकॉमन सी है बट आपको इसका इस्तेमाल समझाता हूँ कंटिन्यूस थिन जिग जैग है लॉन्ग ब्रेक लाइन्स को रिप्रेजेंट करती है जैसे मान लीजिए आप कोई लाइन बना रहे हैं और ये आपके स्केल में फिट नहीं हो रही क्योंकि ये दस मीटर की है तो आप कुछ मत करिए ऐसे जिग जैग लाइन बना के आप शो कर दीजिए कि ये दस मीटर की है तो एग्जामिनर या जो भी व्यूअर हो समझ जाएगा कि ये दस मीटर की लाइन को रिप्रेजेंट किया गया है छोटे से जगह में ठीक है तो ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का तरीका है लॉन्ग ब्रेक लाइंस को रिप्रेजेंट करने का नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं डैस्ड थिक लाइन ये डैस्ड थिक लाइन आपको मिली होगी आपने ड्रॉ भी करा होगा इसका काम होता है हिडन आउटलाइंस बनाने के लिए हिडन एजेस बनाने के लिए कई बार हमें कई ऐसे डायमेंशन होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते ड्राइंग में उन्हें हमें रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं डैस्ड थिक लाइन का, का इस्तेमाल करते हैं ठीक है थीके? इस ये इस ये जब भी आप ड्रॉइंग में देखोगे तो इसका मतलब हुआ कि पीछे कुछ है वो उसका सेप इस तरीके से उसका 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 जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से ये दोनों लाइन्स का इस्तेमाल इन्हीं परपज के लिए होता है फिर आपको चेन थिन लाइन मिलेगी चेन थिन लाइन इंपॉर्टेंट है कई बार पूछे

वट डू मीन बाई दी पॉइंट लाइन प्लेन एंड सॉलिड्स ये भी एग्जाम्पल कई बार पूछते हैं पहले पहली सी समझिए पॉइंट क्या है इट हैज जीरो डायमेंशन जीरो डायमेंशन इसकी ना तो लेंथ होगी ना विथ होगी ना हाइट होगी फिर आती है लाइन लाइन में क्या होगा वन डायमेंशन होती है यानी इसमें एक लेंथ होगी बस ना तो हाइट होगी ना तो विथ होगी फिर आता है प्लेन इट हैज टू डायमेंशन इट मीन्स कि इसके पास दो डायमेंशन होगी लेंथ और विथ्थ होगी ये लेंथ हो गई ये विथ होगी, होगी फिर आता है सॉलिड इट हैज थ्री डायमेंशन सॉलिड हुआ तो इसमें तीनों होंगे यानी लेंथ विथ हाइट और क्या हैं और इनको हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे क्लियर नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे What do you mean by AutoCAD बाई give एंड give definition एंड दियर यूज यूज क्या AutoCAD है क्या और इसको इसके डिफिनेशन को बताइए कैड कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग को रिप्रेजेंट करता है क्रिएटिंग टू डी एंड और थ्री डी बाय बाई यूज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑटोकैड इंस्टीड ऑफ मैनुअल ड्राइंग एनी मोडिफिकेशन एडिटिंग इन ड्रॉइंग कैन बी डन ईजली एंड फास्ट बाई यूज ऑफ दिस सॉफ्टवेयर देखो ऑटो आर्टोकैट कुछ नहीं है जो हम मैनुअली करते हैं उसको आप सॉफ्टवेयर के थ्रू करोगे जो टू डी थ्री डी डायग्राम्स बनाते हो उसे आप जो है सॉफ्टवेयर पर ईजली बना पाओगे और ये जो है जो मोडिफिकेशन होता है एडिटिंग होती है इन सबको काफी फास्ट कर देता है और आज के टाइम पे सिमुलेशन में भी इनका डायरेक्ट इस्तेमाल हो सकता है आप जो है अपने कंपोनेंट को टेस्ट कर सकते हो ठीक है नेम एनी टेन कमांड्स यूज इन ड्राइंग आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन अच्छा ये भी कई बार पूछ लेते हैं कि भाई कमांड्स बताइए आप कैड में कौन कौन से यूज़ करते हो अगर मान लीजिए आपको आर्थोग्राफिक या कोई भी प्रोजेक्शन ड्रॉ करनी है तो कमांड जो होते हैं वो सिंपल नाम ही होते हैं जो स्पेशल जो आप वहाँ पे जो आपके वर्क है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे लाइन सर्किल आर्क रेक्टेंगल पॉलीगन एलिप्स फिलेट शैंपर मूव कॉपी इरेज ट्रिम ब्रेक एरे ऑफसेट मिरर एक्सटेंड स्ट्रेच दीज आर दी कमांड्स और इनकी फिजिकल मीनिंग आई थिंक आपको नाम से ही पता चल रहा होगा जब आपको अपने ड्राइंग में ये सब चीज़ें ड्रॉ करनी होंगी तो आप इन कमांड्स का डायरेक्ट इस्तेमाल करके डायमेंशन दीजिए आपको आपकी ड्राइंग प्रिपेयर हो जाती है थोड़ी प्रैक्टिस करनी होती है और उससे आपको हालांकि आजकल यूजर फ्रेंडली ग्राफिक इंटरफेस है ऑटो आटोकाइट का तो आपको सिंपली बहुत सारी चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती सिंपल जस्ट मूव योर कर सर एंड गेट टू नो वट वट यू नीड टू सम सिंबल्स विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू कैन यूज़ देम next what is sectioning of a solid and section plane uh, let me go back ah huh, what is sectioning ऑफ ए सॉलिड एंड सेक्शन प्लेन पहली चीज समझो कि सेक्शनिंग होती क्या है कटिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सॉलिड बाय सम इमेजिनरी कटिंग प्लेन टू अंडरस्टैंड द इंटरनल डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेक्शनिंग ऑफ सर जब भी आपको इंटरनल डिटेल्स पता करने होते हैं तो हम सेक्शनिंग कहते हैं और जो जिस प्लेन के अलॉन्ग आप कटिंग करते हो उसी को हम सेक्शन प्लेन कहते हैं जैसे देखो कि आपको सपोज करिए कि आपके पास एक कौन था एक कौन था ये कौन है इससे आपने जो लाइन देख रहा हो इसी के लॉन्ग कट कर दिया इमेजिन किया तो आपको अंदर का एक ट्राइंगल देखा ये क्या है ये सेक्शन है इसी को हम क्या करते हैं ड्रॉ करते हैं कैसे ड्रॉ करते, है? करते हैं 45 डिग्री के हैच लाइन के थ्रू हम ड्रॉ करते हैं सेक्शन के थ्रू 45 डिग्री पे हैच लाइन अगर आप खींचते हो पैरल लाइन खींचते हो इस तरीके से फोर्टी डिग्री पे तो ये सेक्शंस को ड्रॉ करता है इसका मतलब इसके ऊपर से मटेरियल को कट करके निकाल दिया गया है इस समझने के लिए सिर्फ होता है इंटरनल पार्ट जैसे आपको देखो एक कोन है अगर आप यहां से कट करते हो तो आपको क्या पता चलता है इसके अंदर का जो सेप है वो आपको पता चलता है कि अंदर का पार्ट कैसा है और उसे आप रिप्रेजेंट करते हो सेक्शनिंग के थ्रू ठीक है तो सेक्शनिंग का प्रयोग आप आसानी से यहां से काफी हद तक समझ सकते हो कि सेक्शनिंग एक्चुअली किस पर्पज के लिए की जाती है इंटरनल डिटेल्स को जानने के लिए सिमिलरली आपको देखो एक सिलेंडर है यहाँ पे इस सिलेंडर को यहाँ से आपको कट कर दिया गया है तो अंदर का जो पार्ट दिखाने के लिए सेक्शनिंग की जाती है और यही सेक्शनिंग जो है आप ये प्रोसेस को सेक्शनिंग बोलते हैं और जिस प्लेन के लॉन्ग इसे कट करते हो उसे कटिंग सेक्शन प्लेन बोलते हैं ठीक है थीके? तो आई थिंक आपको समझ में गया कि सेक्शनिंग क्यों की जाती है और सेक्शनिंग का पर्पज क्या है लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द कन्वेंशन एंड कोड ये कॉमन बहुत कॉमन तो नहीं है बहुत लोग नहीं पूछते हैं बट आपको थोड़ा बहुत जानना चाहिए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी मैटर विद द हेल्प ऑफ सम स्टैंडर्ड साइन और सिंबल ऑन द ड्राइंग इज नोन एज कन्वेंशन और दे आर यूज टू मेक यूनिफॉर्मिटी देखो सीधी सी कन्वेंशन एंड कोड का यूज होता है यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए कन्वेंशन एंड कोड जो है कुछ नियम होते हैं कुछ सिंबल्स होते हैं और इनको सभी को आ, यूज करना है जो भी पढ़ेगा यही सिंबल्स और यही रूल्स कर, यूज करेगा इससे क्या होगा कि आपकी ड्रॉइंग में यूनिफॉर्मिटी होगी और ये एक लैंग्वेज की तरह काम कर पाएगा कन्वेंशन मेक द ड्रॉइंग सिंपल एंड ईजी टू ड्रॉ कन्वेंशन क्या होते हैं ये आपके ड्रॉइंग को सिंपल और ईजी बनाते हैं ड्रॉ करने के लिए ठीक है इन्हें ड्रॉ करने में आपको काफी आसानी होगी तो आपको कोड और सिंबल्स के बारे में में आपको जो कन्वेंशन है और कोड क्या है इनके बारे में थोड़ी सी आपको आई थिंक आइडिया हो चुका होगा कि इनका प्रयोग क्या है नेक्स्ट है व्हाट डू वी मीन बाय आरएफ ये इंपॉर्टेंट है ये कई बार पूछा गया है कि व्हाट इज आरएम एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ आरएम तो सबसे पहले समझो कि क्या होता है आरएफ आरएफ इज द रेशियो ऑफ ड्राइंग लेंथ टू एक्चुअल लेंथ यानी जो ड्राइंग करने जा रहे हो ऑपन जो उसकी एक्चुअल लेंथ हो मान लीजिए ड्राइंग आप 10 mm की करने रहे हो और उसकी लेंथ जो है 1000 हजार एक हजार जो होगी वो आपके क्या होगा वो आर एफ होगा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होगा ठीक है तो इसे आप ये रिड्यूसिंग स्केल या इन लार्जिंग स्केल जब हमें स्केल बनाने की जरूरत पड़ती है तो वहां पर इसका प्रयोग होता है आर एफ का तो ये चीज आई थिंक आप याद रखोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमेशा पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द ट्रेस ऑफ ए लाइन एक लाइन का ट्रेस क्या होता है तो ट्रेस ऑफ लाइन इज द पॉइंट वेयर द लाइन मीट्स द प्लेन ऑन एक्सटेंडिंग द लाइन यानी क्या होगा कि आपको सपोज करिए कि एक हमारा ये मैं बना रहा हूँ ये सपोज क्वाड्रेंट करेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट है इस पर कोई लाइन है ऐसे वर्टिकली लाइन है इस लाइन को अगर आप नीचे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो कहाँ मिलेगा स्टैंडर्ड प्लेन को कहीं जाके मिलेगा यहाँ कहीं मिल रहा है तो ये जो पॉइंट है इसी को क्या बोलते हैं इसी को ट्रेस बोलते हैं ध्यान रखिएगा इसी को क्या बोलते हो आप ट्रेस

नीचे जाके यही प्लेन एक लाइन के फॉर्म में आपको दिखेगा किस फॉर्म में दिखेगा आपको एक लाइन के फॉर्म में दिखेगा hmm. हम्म पे लाइन के फॉर्म में दिखेगा यानी ये प्लेन का जो ट्रेस होगा वो आपको लाइन मिलेगा और जो पॉइंट लाइन का ट्रेस होगा वो आपको क्या मिलेगा पॉइंट मिलेगा तो इस चीज को आप ध्यान रखना इफ द लाइन इज इनक्लाइन टू एच पी इट विल हैव हॉरिजेंटल ट्रेस एंड इफ द लाइन इज इनक्लाइन टू बी पी इट विल हैव वर्टिकल ट्रेस तो इसको समझने के लिए फिर वही सेम चीज़ जो मैंने आपको ऊपर बताया वही चीज़ है आप क्वाड्रेंट सिस्टम को समझिए अच्छा एक ध्यान रखना है अगर जैसे सपोज करिए आपका ये क्वाड्रेंट है ठीक है इस क्वाड्रेंट में ये आपका रेफरेंस लाइन है एक्स और वाई ये हमारा रेफरेंस लाइन है अगर हमारा लाइन जो है सपोज़ करो लाइन कुछ इस तरीके से है लाइन इस तरीके से इनक्लाइंट है अगर इस लाइन को एक्सटेंड करते हो इसके इंडस को एक्सटेंड करते हो और ये जाके कहाँ मिल रही है ये जाके मिल रही है सीधे रेफरेंस लाइन पे, तो इसका कोई भी ट्रेस नहीं होगा रेफरेंस लाइन पे मिलने वाला कोई भी एक्सटेंशन लाइन आपको ट्रेस नहीं देता है तो इस चीज़ को ध्यान रखना आप तो रेफरेंस लाइन पर अगर मीट कर रहा है उसका एक्सटेंशन लाइन का एक्सटेंशन या प्लेन का एक्सटेंशन तो उसका ट्रेस हम कहेंगे इसका कोई ट्रेस नहीं है ट्रेस हमेशा वर्टिकल और हॉर्जेंटल प्लेन में मिलेगा और वो डिपेंड करता है कि लाइन और प्लेन का ओरिएंटेशन क्या है ठीक है जैसा कि मैंने इन दोनों पॉइंट्स में बताया कि अगर लाइन इंक्लाइन टू एचपी है एचपी के इंक्लाइन है तो इसमें हॉर्जेंटल ट्रेस होगा सीधी सी बात है मान लो जी ऐसे इंक्लाइंड है तो इसको एक्सटेंड करोगे तो हॉर्जेंटल प्लेन को ही कट करेगा कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा इसलिए इसको ऐसा बोला जाता है ट्रेस ट्रेस आप समझ रहे ऑफ लाइन इज द पॉइंट वेयर लाइन

वॉट इज ए परस्पेक्टिव व्यू एंड वेयर इज़ इट प्रेफरबली यूज परस्पेक्टिव व्यू क्या है और कहाँ पे इसका प्रयोग होता है परस्पेक्टिव व्यू जो होता है पिक्चोरियल प्रोजेक्शन होता है एंड इट इज यूज बाई आर्किटेक्चरल ब्रांच ऑफ द इंजीनियरिंग आप देखो यहाँ पे एक परस्पेक्टिव व्यू दिया है इसमें क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम जो हमें एक्चुअली दिखता है वो उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं जैसे आप देखो कि हम अगर यहाँ पे खड़े होकर व्यू करते हैं तो हमें दूर पे ये सारे बिल्डिंग्स के, सारी बिल्डिंग्स क्या सारी बिल्डिंग एक जैसी हाइट थोड़ी दिखेंगी इनके हाइट्स जो है कम होते जाते हैं अल्टीमेटली जाके यहाँ पॉइंट्स पे ये सड़क भी जाके कहीं एक पॉइंट पे मिलती हुई दिख रही है इसी तरीके से आप देखो ये ये सड़क जो है एक रेशियो में कम होती जाएगी और इन ऐसे लाइन्स जो भी हाइट्स हैं जितने भी बिल्डिंग्स हैं ये धीरे धीरे छोटी होती होती जाएंगी और अल्टीमेटली जाके एक पॉइंट में मिल जाएंगी तो आप आप याद समझ सकते हो सिंपल सा कि मान लीजिए यहाँ पे कोई पेड़ है ये पेड़ सबकी एक हाइट नहीं रहेगी धीरे धीरे ये क्या हो जाएंगे कम होते जाएंगे अल्टीमेटली एक पॉइंट पे बैनिस हो जाएंगे ये क्या हो जाएगा एक पॉइंट पे जाके बैनिस हो जाएंगे तो इस तरह से आपको एक एक्चुअल एक्चुअल डायग्राम दिखता दिखता है है एक व्यू पिक्चोरियल डायग्राम दिखता है आर्किटेक्चर ब्रांच में इसका खूब यूज होता है इसी को हम क्या बोलते हैं परस्पेक्टिव व्यू बोलते हैं एक पिक्चोरियल प्रोजेक्शन होते हैं क्या होते हैं आपके पिक्चोरियल प्रोजेक्शन होते हैं नेक्स्ट है वट इज एक् प्लेन एंड वट इज द यूज ऑफ दिस प्लेन ऑक्जिलेरी प्लेन समझिए ये तुम्हारा कौन सा है ये वर्टिकल प्लेन जो है ये प्रिंसिपल प्लेन है कौन सा है प्रिंसिपल प्लेन है हॉरिजेंटल प्लेन क्या है प्रिंसिपल प्लेन है तो जो कोई भी प्लेन जो जो प्रिंसिपल प्लेन पर परपेंडिकुलर नहीं है उसे हम ऑग्जिलरी प्लेन बोलते हैं ये वाला जो ब्लू कलर का है इसी को हम क्या बोलेंगे ऑग्जिलरी प्लेन बोलते हैं ठीक है थीके? तो प्लेन विच इज नॉट एट राइट एंगल टू तो द रेफरेंस प्लेन एच पी और बी पी एंड ट्रू इमेज इन से डिटेल्स इज ड्रॉन ऑन इट वही सिंबल सा मतलब है जो एचपी और बीपी पे पैरल नहीं हो कोई भी प्लेन क्वार्रेंट में किसी भी क्वार्रेंट में उसको हम क्या बोलेंगे ऑक्जिलरी प्लेन बोलेंगे इसे आप याद रखना क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जा सकता है आपके ड्रॉइंग में इवन एनी पे भी आपकेशन ऑफ स्केल स्केल के बारे में पहली बार समझ लो स्केल का यूज क्या है स्केल का ड्राइंग में बहुत यूज है जैसे एक बड़ा सा बिल्डिंग है इस बिल्डिंग को तो आप अपने ड्राइंग सीट पे एज इट इज तो नहीं उतार पाओगे लेकिन हमें ड्राइंग सीट पे उतारने के लिए क्या करना होगा इसके हर डायमेंशन को एक रेशियो में कम करना होगा यानी रिड्यूसिंग स्केल में लाना होगा तो वो जो रिड्यूसिंग स्केल में लाने की प्रक्रिया यही स्केल करती है आप कई बार हमें बहुत छोटी चीज़ होती है उसको बहुत बड़ा दिखाना है तो उसको हम एनलार्जिंग स्केल बोलते हैं और उसमें हम क्या करते हैं उसमें हम अपनी सीट में छोटी सी चीज को बड़ा दिखाते हैं तो एक प्रक्रिया है इसमें क्या होता है इसमें रेशियो मेंटेन रहते हैं रेशियो मीनस इनका सेप नहीं बिगड़ेगा सेप बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा रहेगा बस क्या

वॉट आर दी रिक्वायरमेंट फॉर दी कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल के कंस्ट्रक्शन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है पहली चीज तो मैक्सिम डिस्टेंस टू बी मेजर आपको क्या मेजर कितना मैक्सिमम आपको डिस्टेंस मेजर करना है वो आपको चाहिए आर एफ चाहिए रिप्रेजेंटेटिव फैक्शन दैट इज दैट इज यूज टू मेक द स्केल वो आपको पता होना चाहिए यूनिट ऑफ स्केल क्या हो जाएगा एम एम सी एम और किलोमीटर कुछ भी हो सकता है तो इट डिपेंड्स तो ये आपका रिक्वायरमेंट है अगर आप स्केल बनाने जा रहे हो ठीक है नेक्स्ट आई थिंक दैट्स ऑल आपके वाइबा में जो बेसिक वाइबा क्वेश्चन हैं वो मैंने कवर कर लिए हैं होमवर्क के तौर पे मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको ड्रॉ करना है प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट एंड अ लाइन व्हेन दे लाइज इन ईदर ऑफ़ द फोर क्वाड्रेंट आपको इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है किसी भी क्वाड्रेंट में अगर आपके लाइन और पॉइंट हों तो उनका प्रोजेक्शन कैसे बनेगा जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट है या लाइन है और वो प्लेस्ड है वर्टिकली सपोज़ करिए कि आपके पास एक लाइन है मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बोलता हूँ आ, रुको इसको ठीक से करते हैं हम लोग ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा हंड्रेड परसेंट आपसे पूछेंगे वो ये मान लीजिए आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट को मैं बना रहा हूँ ठीक है फर्स्ट क्वाड्रेंट आप हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं ये हुआ इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मान लीजिए कोई पॉइंट है वो लाई कर रही है बोथ किस में लाई कर रही है बी और एच दोनों में तो ये बी हो गया और ये आपका एच हो गया और दोनों में लाई करने का मतलब क्या हुआ कि कहीं वो इस रेफरेंस लाइन पे ही लाई कर रही है तो मान लो यहाँ पे लाई कर रही है तो इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू क्या बनेगा कहाँ बनेगा फ्रंट व्यू भी एक पॉइंट बनेगा और टॉप व्यू भी एक पॉइंट बनेगा और कहाँ बनेगा आपके रेफरेंस लाइन पे बनेगा जो एक्स वाई है इसी रेफरेंस लाइन पे बनेगा ठीक है अब दूसरे क्वेश्चन करते हैं मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है कि एक लाइन है जो कि पैरल टू बोथ एच और बीपी से पैरल है

टू बोथ बीपी एचपी है तो इसका जो फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनेगा वो क्या बनेगा आपको लाइन मिलेंगे और इसका साइड व्यू पॉइंट मिलेगा तो आपको तुरंत ड्रॉ करके इमेजिन करके आपको इसके आंसर देने होंगे इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछेगा वो आपसे पूछे जा सकते हैं कि पॉइंट है या फिर लाइन है या कोई प्लेन है ये लाई कर रहा है किसी क्वार्टर में किसी भी क्वार्टर में पूछा जा सकता है आपसे और आप उसके फ्रंट व्यू टॉप व्यू इमेजिन करके बताइए क्या दिखेगा तो ये कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं अगर आप इतना प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका वाइबा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिक्टी टू नाइन्टी परसेंट कम्प्लीट हो जाता है और आप काफ़ी कंफर्टेबल होंगे ड्यूरिंग द वाइबा थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट लिसनिंग